नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर, वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। बुलंदशहर के धमेड़ा अड्डे पर सिगरेट चोरी करने के आरोप में हुआ खूनी संघर्ष, एक युवक को लगी गोली, चार लोग हुए घायल, एक ही समुदाय के दो पक्षों में हुआ झगड़ा। यूपी के हापुड़ में पशु चोरों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में दो बदमाश पुलिस की गोली लगने से हुए घायल, कुल चार बदमाशों को पुलिस ने दबोचा। प्रियंका गांधी वाड्रा का असम दौरे का आज दूसरा दिन, चाय के बागान में मजदूरों से की प्रियंका गांधी ने मुलाकात, जानी समस्याएं। विधानसभा में उत्तर प्रदेश लोक व निजी संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक 2021 हुआ पास। हाथरस में बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर गुंडों ने पिता को गोलियों से भूना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए कार्यवाही के कड़े निर्देश। कानपुर देहात में ट्राला पलटने से छह मजदूरों की हुई मौत, आठ घायल। सर्व समाज महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र त्यागी ने कुलदीप त्यागी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष किया नियुक्त, मनोनयन पत्र सौंपा। हैदराबाद के साबरमती नदी में आत्महत्या मामले में पुलिस ने मृतिका आयशा के पति को राजस्थान से किया गिरफ्तार। पश्चिमी बंगाल के हुगली में उत्तरपाड़ा में परिवर्तन यात्रा के दौरान टीएमसी और भाजपा वर्कर्स के बीच हुई झड़प। पीएम मोदी की बायोपिक में दिखेंगे अभिनेता गजेंद्र चौहान, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ एक और नरेंद्र का पोस्टर। खंडवा के सांसद और भाजपा नेता नंद कुमार सिंह चौहान का निधन, सीएम शिवराज ने जताया शोक। देश में 24 घंटे में कोरोना के नए केस 12,286, नए मामले आए सामने, 91 लोगों की हुई मौत। आईएसएफ के साथ गठबंधन पर कांग्रेस में दरार, अनिल शर्मा ने उठाए सवाल, अधीर रंजन बोले यह हाईकमान का फैसला। गृह मंत्री अमित शाह ने लगवाया कोविड-19 का टीका, वेदांता अस्पताल के डॉक्टरों ने दी पहली डोज। पाकिस्तान में दर्दनाक हादसा, बारूदी सुरंग में विस्फोट से दो बच्चों की हुई मौत। अलीगढ़ में दलित लड़की की गला दबाकर की हत्या, बलात्कार का कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिला। तेजी के साथ खुला शेयर बाजार, 50,000 के पार हुआ सेंसेक्स। आयकर विभाग ने हैदराबाद स्थित फार्मा समूह पर की छापेमारी, 400 करोड़ काला धन का पता चला। कोलकाता में 7 मार्च को पीएम मोदी की भव्य रैली, घर घर जाकर निमंत्रण देंगे भाजपा नेता। मुंबई को अंधेरी नगरी बनाने की साजिश कर रहा था चीन, महाराष्ट्र के मंत्री बोले यह साइबर का हमला था। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंचे, राज्य कार्य समिति की बैठक में शिरकत करेंगे। चरित्र संदेह पर समाज के ठेकेदारों ने पति पत्नी का कर दिया मुंडन, चार आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी के आदेश पर जिला संप्रेक्षण गृह का हुआ शुभारंभ, डीपीओ सहित अन्य अधिकारियों ने किया निरीक्षण। मुजफ्फरनगर के गुरु राम राय पब्लिक स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को कोरोना गाइडलाइन के साथ मिला प्रवेश, बच्चों में दिखी खुशी। बागपत में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर समाजवादी का हल्ला बोल, बैल को समाजवादी बना, सड़कों पर बैलगाड़ी लेकर उतरे सपाई।